इन देयर S1 सीरीज ऑफ स्कूटर्स ओला ने लॉन्च कर दिया है अपना चीपेस्ट वेरिएंट येट। इसके इंट्रोडक्टरी प्राइसेस स्टार्ट करते हैं 79,999 एक्स शोरूम ऑफ कोर्स। द S1X विल बी अवेलेबल इन 3 वेरिएंट्स। S1X जो आता है 2 किलोवाट आवर बैटरी के साथ, देन एक वेरिएंट 3 किलोवाट आवर बैटरी के साथ, एंड देन देयर इज द S1X प्लस, उसमें भी 3 किलोवाट आवर की बैटरी पैक होगी बट विद अ वैरायटी ऑफ एडिशनल फीचर्स। डिलीवरीज को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिसंबर ऑनवर्ड्स। जेंशन इम्पैक्ट के एंथुजियास्ट गेमर्स आर इन फॉर अ ट्रीट, क्योंकि इसमें ऐड कर दिया गया है द फोंटेन रीजन जो इंस्पायर्ड है 1910s के फ्रांस से, अलॉन्ग विद अ सेट ऑफ न्यू कैरेक्टर्स एज वेल। गेम प्ले अब फीचर करता है एक्सप्लोरेशन अक्रॉस लैंड एज वेल एज अंडर वाटर रीजन्स। Activision is coming up with Modern Warfare 3, जिसका reveal event था 17th of August को on Modern Warfare Warzone. Going by the snippets and clips जो share करे थे game maker नहीं, we're certain that this will tie up with the Modern Warfare 3's gameplay, जो 10th of November 2023 को release होने वाला है. If you're somebody who loves off-roading and आप एक EV भी चलाना चाहते हैं, Mahindra has unveiled the concept Mahindra Thar E, electric SUV. इसको अगर XUV 400 से कंपेयर किया जाए, जो उनकी एग्जिस्टिंग E-SUV है, the Mahindra Thar E will sport a bigger battery pack and of course the Thar lineage. This EV is expected to launch towards the end of 2024 या फिर early 2025.